बोलो बच्चों, क्या रकम मेमोरियल सीबीएस स्कूल मुंगा आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम दिए जल उठे, ठीक है, इस अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, मतलब इस अध्याय से मधुकर उपाध्याय जी हमें जिस तरह स्वराज्य के लिए, ठीक है, या स्वतंत्र के लिए अनेक महापुरुषों ने आंदोलन किए, आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने भारतीय लोगों को जिस तरह तैयार किए, ठीक है, यह सब विषय हम इस पाठ से मधुकर उपाध्याय जी समझाने के लिए कोशिश किए बच्चों। ठीक है, और हम भी पिछले कक्षा में महात्मा गांधी जी, मतलब पटेल जी की गिरफ्तार होने के बाद महात्मा गांधी जी उसका नेतृत्व जिस तरह निभाया, मतलब सत्याग्रहियों का जिम्मेदारी उन्होंने लेकर जिस तरह उनको उन लोगों को आगे बढ़ाया, ठीक है, यह सब हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, देखो, महात्मा गांधी जी रास से कनकापुर, ठीक है, तो यात्रा थी, रास से कनकापुर पहुंचना था। ठीक है, उस रास्ते में या उस यात्रा जाने से पहले क्या हुआ, तो उधर एक बूढ़ी बूढ़ी माँ, मतलब बोलते हैं अज्ञेयत्र, हाँ, 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने क्या किया, उसे तो वापस आना हो तो स्वराज्य के साथ ही आना चाहिए, इस तरह उसे बधाइयां देते हुए क्या करते हैं, वो तिलक लगा दी। समझ में आ रहे ना, यहाँ तक बच्चे हम चर्चा किए थे। और उस बूढ़ी माँ को गांधी जी भी क्या वचन देते हैं, ठीक है, मैं वापस, ठीक है, स्वराज लेकर ही लौटूंगा, इस तरह वचन देते हुए गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुर पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। यहाँ तक हम देख लिए बच्चों, देखेंगे आगे उस यात्रा में हो और सत्याग्रह में भाग लेने के लिए या सत्याग्रह करने के लिए वे लोग, मतलब गांधी और सत्याग्रही कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आइए देखेंगे आगे। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, ठीक है, गांधी जी उस जनसभा में, देखो जनसभा में मतलब क्या, उधर सभी लोग सत्याग्रह में भाग लेने के लिए क्या लोग जमा हुए थे, उन लोगों के बीच में खड़े होकर महात्मा गांधी जी भाषण देने का था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या, देखो किस विषय के बारे में भाषण दिए, ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया, ब्रितानी मतलब ब्रिटिश, अंग्रेजियों के कुशासन मतलब उनका शासन, कुशासन मतलब उनका शासन अच्छा नहीं था। ठीक है, वे सभी लोगों को, मतलब भारतीयों को गुलामी के रूप में वे काम ले रहे थे। ठीक है, तो इसलिए उनका शासन वो तो अच्छा नहीं था, बुरा शासन, कुशासन। कुशासन के बारे में जानकारी या लोगों को समझाए, उन्होंने कहा इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी है। देखो इधर लोगों से कहते हैं महात्मा गांधी जी, इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी है। रंक मतलब पूरा गरीब, राजा का अपोजिट शब्द हो, विलोम शब्द रंक, गरीब, गरीब और अमीर मतलब पर्यायवाची शब्द गरीब। रंक से राजा तक सब दुखी है, राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नाचने को तैयार है, यह राक्षसी राज है। देखो क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी ने, तो इस राज्य में क्या है, रंक से लेकर राजा तक, मतलब एक गरीब आदमी से लेकर राजा तक सब लोग क्या है, दुखी है। इसका कारण क्या है, देखो, राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, मतलब बड़े लोग क्या कहते हैं उसका अनुसरण करता है सरकार ने, अमीर लोग क्या कहते हैं, मतलब वे लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उनके अनुसार क्या होता है, सरकार चलता है। ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೆ ಮಹಾರಾಜ ಜೈಸೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾಚತಿ ಹೇ, ನಾಚನೆ ಕೋ ತಯಾರ ಹೇ, ಯಹ ರಾಕ್ಷಸಿ ರಾಜ ಹೇ,
ये तो क्या है, राक्षसी राज है, मतलब पूरा उनका शासन क्या है, बहुत बुरा शासन है। इसका संहार मतलब नाश, संहार मतलब नाश, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। देखो इधर, इसका संहार करना चाहिए मतलब इस शासन का, ब्रिटिश शासन का हम क्या करना है, संहार नाश करना है। इस तरह महात्मा गांधी जी क्या किए, उस जनसभा में भाषण देने लगे। रास्ते में रेतली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि तब जो उन्होंने जिस रास्ते से यात्रा कर रहे थे वह रास्ता रेतीली था, रेत मतलब बालू, उसको मरण क्षेत्र उसी निंद रस्ते ಹೌದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಸುಕು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳ ಠೀಕೆ ಪತ್ತೊಂಕೆ ತುಗಡೆ ಎಸ ಬಾಲು ಗಿರಿದು ಪಡೆದು ಉಸ್ಪರ ಚಲನ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೋಜಾತ ಠೀಕೆ ಅಂತಹ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ರೇತಿಲಿ ಸಡಕೊಂಕೆ ಕಾರಣ ಯಹ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಕಿ ಗಾಂಧಿ ಥೋಡಿ ಯಾತ್ರಾ कार से कर ले, मतलब यह रास्ता क्या है, बहुत रेतीली रास्ता है, उसी के अंदर कूड़ितकंता रस्ते आगे अदक्कोस्कर नडीलिके स्वल्प तोंदरे आगबहुदु अदक्कोस्कर गांधीजी अवरु एनु माड्रि ओंदु स्वल्प यात्रावन्न कारिनल्लि मुंदे नडेयलि होद्रे अवरु एनु माड्लि नावेल्लरू बर्तीवि नीवु कारोळगे ओंदु स्वल्प मुंदे होगिरि अंत हेळ्तारे अवरु करले गांधीने इससे साफ इनकार कर दिया देखो सब लोगों को छोड़कर मैं कार में जाना है ठीक है या मेरे अकेले को कष्ट हो रहा है सब लोग कष्ट भोग रहे उसके साथ मैं भी कष्ट भोगता हूं समझ में आ रहे ना ये तो नेता की गुण ऐसा होना चाहिए ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅಂತಕಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಹೆಂಗ ಸಾಧ್ಯ ಅವ ಒಬ್ಬನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ನಹೀಂ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಯಹ ಸಮಜ್ಕರ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಇಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ಇನ್ಕಾರ ಕರ್ ದಿಯಾ ಇನ್ಕಾರ ಮತಲಬ್ ತಿರಸ್ಕಾರ कार में यात्रा करने का उन्होंने तिरस्कार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। देखो उनका कहना था कि मतलब गांधी जी यह कह रहे थे कि यह जीवन की आखिरी यात्रा है, आखिरी मतलब अंत का, लास्ट, समझ में आ रहा है ना, तो जीवन की यह लास्ट यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह तो क्या है उनका, महात्मा गांधी जी की जीवन पे यह आखिरी रास्ता है, समझ में आ रहा है ना, अंत लास्ट यात्रा है, इसलिए ऐसी यात्रा में जो भाग लेता है ठीक है वो कार का प्रयोग नहीं करता या वाहन का प्रयोग उन्होंने नहीं करता। यह पुरानी रीति है, यह तो क्या है ढंग, पुराने ढंग है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। कहते धर्मशाला धर्म यात्रा में, तब यह यात्रा क्या है, धर्म के बारे में यात्रा हम कर रहे हैं ठीक है, इसका अर्थ होता है कि स्वराज के लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। धर्म यात्रा में हवाई जहाज तो एरोप्लेन, मोटर या बैलगाड़ी, बैलगाड़ी मतलब बैलों से बना हुआ गाड़ी, एत्तिन गाड़ी अंत हेळ्तारे, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। ये तो धर्म यात्रा है, मतलब स्वराज के लिए हम यात्रा चल रहे हैं, इसमें हम वाहनों का प्रयोग किए तो ठीक है, या वाहनों में बैठकर हम यात्रा किए तो हमें लाभ नहीं मिलता। गांधी जी कहते हैं यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, यात्रा में कष्ट सहे, यात्रा करते समय हम कष्ट सहन कर लेना है, सहन कर लेना, अरगिसिकोळ्ळुवुदु, यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है ठीक है।
तो ऐसे यात्रा करते समय हम कष्ट आए तो हम समझ सहन कर लेना है ना, लोगों का सुख दुख हम समझ लेना है, तभी ये तो क्या होता है, सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में मतलब शासक, ठीक है, हुक्म मतलब आज्ञा ऑर्डर, हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। देखो इधर, ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था कि मतलब ब्रिटिश लोगों में एक वर्ग था, हुक्मरानों मतलब शासक, हुक्मरानों में समझ में आ रहे ना, मतलब ब्रिटिश में, ब्रिटिश के आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग हुक्मरान, समझ में आ रहे ना, मतलब ब्रिटिशों का एक भाग और एक दूसरा उसमें उसमें ही एक भाग, उसमें ऐसा एक वर्ग था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। देखो इधर, वे उन लोगों को ऐसा लग रहा कि जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। क्या उन्होंने सत्याग्रह कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं, मही नदी उन्होंने पार करना था, समझ में आ रहे ना, वे लोग वहां तक सत्याग्रह करके मही नदी के किनारे वे लोग नमक बनाकर, नमक मतलब साल्ट, नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, समझ में आ रहे ना, इस तरह वे समझ लिए थे। कौन? वही ब्रिटिशों का एक भाग, ठीक है, हुक्मरानों लोगों से एक वर्ग। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, ठीक है, समुद्र की पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है। समुद्र अनेक बंद हो जाता अल दंडे मेले अनेक बहुत उप जमा समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं, समझ में आ रहे ना, तो उधर क्या हो रहा, क्या हुआ था, और समुद्र के तट पर क्या हुआ, नमक छोड़ जाता है उसे रखवाली करने के लिए, ठीक है, अदना सिक्योरिटी ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ ಕಾಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉಪ್ಪು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮಕ ಛೋಡ್ ಜಾತಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಿ ರಖವಾಲಿ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಮಕ ಚೌಕಿದಾರ್ ರಖೆ ಜಾತೆ ಹೈ। ಗಾಂಧಿ ನೇ ಭಿ ಕಹಾ ಕಿ ಯಹಾ ನಮಕ ಬನಾಯಾ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಹೈ। ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಭಿ ವಹ ದೇಖ್ ಕರ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಮಜಾಯೆ ಯಹಾ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯಾ ಇಸ್ ಸ್ಥಳ ಪರ नमक बनाया जाता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। देख लो इधर, ब्रिटिश के कुछ लोग या ब्रिटिश हुक्म के आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग ऐसा समझ लिए थे कि ठीक है, उधर क्या है, गांधी जी सत्याग्रहियों को लेकर जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उधर क्या होता है, एक मही नदी के किनारे वह समुद्र नमक छोड़कर जाता है ना, वे लोग क्या करते हैं, मतलब गांधी और सत्याग्रही लोग उधर जाकर नमक बनाकर ठीक है कानून तोड़ देंगे। अंद्रे अल्ले उप्पिन सत्याग्रह इतल रे, हाँ, उप्पन्न तैयार ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಉಪ್ಪು ತಯಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ಮುರಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಉಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ತಗೊಳಕ್ ನಿಲ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮುರಿತದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಠೀಕ್ ಹೇ, ದೇಖ ಅಚಾನಕ ನಮಕ ಬನಾಕರ್ ಕಾನೂನು ತೋಡದೇಗೆ, ಠೀಕ್ ಹೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ನಮಕ ಚೌಕಿದಾರ್ ರಖೆ ಜಾತೆ ಹೈ, ಉದರ नमक, नमक की रक्षा के लिए या रखवाली करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ लोगों को उधर नियुक्त किया था,
समझ में आ रहा है ना, वे लोग गांधी जी और सत्याग्रहियों को क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, इस तरह समझ लिए थे। ठीक है, और उधर जाते ही महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रहियों को भी समझाए, क्या समझाए उन्होंने, इधर नमक बनाया जाता है। ठीक है, वहां तक उनकी यात्रा गई, और उधर देखो क्या होता है, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। देखो लोग तो ब्रिटिश के कुछ लोग ऐसे समझ लिए थे, वे कानून तोड़ते हैं, वे कानून उन लोगों को अरेस्ट करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उधर एक वरिष्ठ अधिकारी, मतलब उन्नत स्थान पर होने वाला वह अधिकारी, गांधी जी के बारे में उन्होंने समझ लिया, गांधी कोई भी काम हो अचानक और चुपके से नहीं करेंगे। समझ में आ रहे ना, वो तो हम नमक बनाए तो क्या होता है, वो चोरी हो जाता है। ठीक है, कानून उधर तोड़ जाता है, उस समय वे हमें अरेस्ट करते हैं। ठीक है, वे लोग समझ लिए थे ब्रिटिश आज्ञा के अनुसार चलने वाले कुछ लोग, लेकिन वहां के एक अधिकारी, उस अधिकारी को गांधी जी पर विश्वास था। क्या विश्वास था, गांधी जी कभी भी कोई भी काम हो अचानक और चुपके से नहीं करेंगे। इसका अर्थ होता है कि उन्होंने उधर आकर नमक नहीं बनाते हैं, उन्होंने कानून नहीं तोड़ते। एक अधिकारी को गांधी जी पर विश्वास था, इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे। देख लो, इसके बावजूद, यह होने के बाद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए, मतलब निकाल दिए, और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे। समझ में आ रहा है ना, वो पूरा उधर क्या नमक था, उसे वहां से उन्होंने हटा दिए, उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा ही न रहे, उससे कुछ भी खतरा या डेंजर न होना चाहिए। इस तरह सोचकर उन्होंने क्या किए, तो उस नदी के तट पर क्या वहां नमक भंडार था, तो भंडार इसका तो नमक से भरा हुआ, उसे उन्होंने वहां से निकाल दिए। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। नियम के अनुसार, मतलब सत्याग्रहियों के प्लान के अनुसार, नियम के अनुसार उस दिन की यात्रा, ठीक है, कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी। कनकापुर पहुंचकर उधर गांधी जी का भाषण होने के बाद वह यात्रा समाप्त होना था, लेकिन उसमें जरा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किए, यह तय पाया गया कि, तय होना मतलब निश्चय होना, डिसीजन, यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, मतलब आज हम आगे गए तो कल थोड़ा समय में पाठ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कल हम यह पूरा करेंगे। ठीक है, रहने दो बच्चों, वह एक पद देख, मतलब वह एक प्यारा देखेंगे। नियमों के अनुसार क्या था, कनकापुर पहुंचकर उधर गांधी जी के भाषण होने के बाद वह यात्रा समाप्त करने का था, लेकिन उन्होंने क्या किए, उस नियम में जरा बदलाव कर लिए। क्या बदलाव हुआ, यह तय पाया गया कि, मतलब यह निश्चय हुआ कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए। समझ में आ रहे ना, वह क्या उधर मही नदी लगता था, ठीक है, उस नदी को उन्होंने पार करना था। उस नदी को हम कब पार करेंगे, रात बजे पार करेंगे, निश्चय हुआ। नदी को आधी रात के समय, अर्धरात्रियली ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋಣ। नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में
दलदल मतलब वही, मुलायम पदार्थ, मुलायम पदार्थ मतलब किचड़ जैसा, ठीक है। किचड़ अंतंद्रे ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ಕೂಡಲೇ ರಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ. ಕಿಚಡ್ ಅವರು ದಲದಲ್ ಮೇ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಚಲನಾ ಪಡೆ ಧೀಮಿ ಸೇ, ಹಮ್ ಚಲನೆ ಕಿ ರಫ್ತಾರ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೇ, ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಚಲ್ ಪಡೆ ರಾತ್ ಸಾಡೆ ದಸ್ ಬಜೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿ ನದಿ ಕಿ ಓರ್ ಚಲೆ ಇಸ್ ತರಹ ತಯ ಹುವಾ. ರಾತ್ ಮೇ ಹಮ್ ಆದಿ ರಾತ್ ಮೇ ಹಮ್ नदी पार करेंगे कहकर उन्होंने निश्चय करके उधर ही क्या किए उन्होंने, और एक बात को समझाए सभी लोगों से. रात साढ़े दस बजे 10:30 साढ़े दस बजे हम क्या करेंगे, भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले. अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा. दलदली मतलब वही कीचड़, किचड़ से भरा हुआ जमीन, वही यहाँ मुलायम पदार्थ नदी दंडे रोजल और 4 किलोमीटर अदर नड़ी वह पूरा रास्ता नदी के किनारे वो तो किचड़ से भरा रहता है ना, तो इसलिए उधर क्या हुआ देखो. इधर अंधेरी रात में, ठीक है, तो रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा, मतलब किचड़ से भरा हुआ जमीन पर चलना पड़ा. कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया. तो गांधी जी कष्ट भोगने का देखकर उस सत्याग्रह में भाग लिए हुए कुछ लोग क्या किए, गांधी जी को सलाह दी. क्या सलाह दिए उनको, कंधे पर, शोल्डर, कंधे पर ले जाने के लिए या उठाने की सलाह दी. कंधे पर ले जाते हैं इस तरह गांधी जी को सलाह दिए, लेकिन गांधी जी ने क्या किए, मना कर दिए. मना करना मतलब तिरस्कार करना. आ ओंदु रस्तेयन्न नोडि अंद्रे नावु केसरिनल्लि नडेयबेकागिदे अंत हेळि तिळिदुकोंडु अदु कनिष्ठ 4 किलोमीटर रस्ते इत्तु, अदे केसरिनल्लि नडेयुदित्तु. अदन्न अरितु सत्याग्रहिगळु एनु माडिदरु, गांधीजी अवरिगे कष्ट आगबहुदु अंत तिळ्कोंडु अवरन्न तम्म हेगले मेले कूडिसिकोळ्ळलु तिळिसिदरु. कूडलिक्के अवरिगे रिक्वेस्ट माड्कोंडरु, आदरे गांधीजीवर अदन्न एनु माडिदरु, तिरस्कार माडिदरु, बेड अंत हेळिदरु. देखो कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी पर उन्होंने मना कर दिया, कहा यह धर्म यात्रा है. देख लो क्या कहकर मना तिरस्कार करता है गांधी जी, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा, मैं भी कष्ट भोग कर ही क्या करता हूं, पूरा करूंगा. तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए, तट मतलब किनारे, इस तरह वह यात्रा पूरी करके किनारे पर जाकर क्या किया उन्होंने, पैर धोए, काल तड़कोंडे और एक झोपड़ी में आराम किया. ठीक है, आधी रात का इंतजार करते हुए, आधी रात में इन्होंने क्या किए, अपनी यात्रा पूरी करके मतलब तो कीचड़ में नदी के तट पर यह यात्रा उन्होंने पूरा करके क्या किए, आधी रात का इंतजार करते हुए एक झोपड़ी में क्या किए, आराम किए. मही के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लग रहा था. मेला मतलब जुलूस बोलते ना, मेरवणिगे ಅಂತಕಂತದು, मेले मेला ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಮೇಳ. मही के तट पर मतलब मही नदी के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी, तो इतना रात में भी मेला जैसा लग रहा था. भजन मंडलियां थी, तो भजन करते हुए गाना गाते हुए वे सभी लोग क्या कर रहे थे, उधर समय बिता रहे थे. दांडिया रास में निपुण दरबार थे, उनके गीत के बोले थे. ठीक है, इस तरह उन्होंने भजन, ठीक है, गीत गाते हुए उधर बैठकर समय बिता रहे थे. ठीक है, जिस तरह उन्होंने गीत गा रहे थे या गाना गा रहे थे उसके लिए उधर एक उन्होंने उदाहरण दिए. ठीक है, यहाँ तक रहने बच्चों देख लो. तो इस सत्याग्रह मतलब इससे हमें पता चलता है कि स्वराज्य के लिए, स्वतंत्र के लिए गांधी जी और अनेक भारतीय वासियों ने
जितना कष्ट सहन कर लिए हैं, ठीक है, और कितने कष्टों को उन्होंने सामना किए हैं, है ना। तो उन्होंने रात दिन इसमें अंतर नहीं देखते थे, हर समय सिर्फ सत्याग्रह करते रहना। इसलिए बच्चों आज हम क्या करते हैं, उनका प्रशंसा करना या उन लोगों की, उन लोग क्या काम किए हैं, ठीक है, स्वतंत्र के लिए वे लोग जिस तरह लड़े हैं, तो उसका याद कर लेना हमारा कर्तव्य है। तो देखेंगे बच्चों आगे तो उनका क्या वह लक्ष्य था, वो लक्ष्य उन्होंने प्राप्त होते या नहीं, जीत हासिल करते या नहीं, यह आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।